नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एमएससी के सिलेबस में है, एमएससी फाइनल के और बीएससी फाइनल के सिलेबस में भी है। तो उसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसमें हम जानेंगे, चर्चा करेंगे कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं। जैसे आप बात करते हैं पेटेंट की, तो बड़ा कॉमनली आप यूज़ करते हैं किसी भी शब्द पे जब बात आती है कि कौन सा किसी ने पेटेंट करा रखा है, मैं ऐसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। और कोई भी चीज़ कहीं से भी कॉपी कर लेते हैं, कहीं भी फोटो कॉपी कर लेते हैं, कुछ भी। तो ये सब चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए हमें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे किसी का कॉपीराइट होता है, किसी ने पेटेंट करा रखा है, जीआई क्या होता है और बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा इनोवेशंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में और इग्नाइट इंडिया, कुछ ऐसी बातें जो आपको कुछ नयापन लाने के लिए बियॉन्ड द बाउंड्रीज जिसे आप बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रेरित करेंगी। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और कुछ नया सोच आपके अंदर डेवलप करेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नो योर राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं तो आज हमारा जो ओवरव्यू है इसमें हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे, आईपीआर की, टाइप्स ऑफ आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी तरह की हो सकती है, उसके लिए कौन से ऐसे नियम हैं जो उसको गवर्न करते हैं, फूड इंडस्ट्री की बात करें, पेटेंट की बात करें, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बात करते हैं तो कई बार नॉर्मली हम ये समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कॉपीराइट या फिर पेटेंट, जो दो टर्म हैं ज़्यादातर कॉमनली यूज होते हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो इसके दायरे में नहीं आती, पेटेंट के दायरे में नहीं आती, कॉपीराइट में नहीं आती। जैसे हम बात करें ट्रेडमार्क की, जीआई की, इन्फ्रिंजमेंट्स, कुछ केस स्टडी, ये हम बात करेंगे आपसे। और ये चूंकि आपके सिलेबस का पार्ट भी है तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा जिसे आप कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई चुरा नहीं सकता, ऐसी प्रॉपर्टी। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अगर आप बात है तो चुरा मतलब कॉपी कर लेते हैं लोग, जैसे कहते हैं ना कि आप बांट नहीं सकते हैं आपके ज्ञान को, उस तरह से अगर फिजिकल फॉर्म में देखें। लेकिन कोई उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। नो योर राइट्स जो हमारा टॉपिक भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो योर राइट्स। तो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से अराइज होती है उसको आप बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ह्यूमन क्रिएशन, जो हमारी क्रिएटिविटी है, कोई ऐसा हमारे पास आइडिया है जो मेटीरियलाइज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, हमको गेन दे सकता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो तरह के होती है, एक तो होता है लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क की अगर हम बात करें, जैसे बुक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, म्यूजिकल कंपोजिशन, प्ले, मूवी, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस, ये आर्टिस्टिक वर्क, दे आर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। उनको कैसे आप बचा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉपीराइट। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की अगर आप बात करते हैं, जैसे फिजिकल मैटर है कोई ना, प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल पर्पस, उनको कैसे बचा सकते हैं आप,
कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय पेटेंटेड ऑब्जेक्ट, बाय ट्रेडमार्क, बाय इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स, लेआउट डिजाइंस, और एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई। तो मेजर तरह के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो क्या है? फंक्शनल एंड टेक्निकल इन्वेंशंस, प्योरली आर्टिस्टिक वर्क्स, ए सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन, और इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं जो समय समय पे अमेंड होते रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और कई बार बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं आपके पास, लेकिन आपको ये अंदाज नहीं होता कि आप उस आइडिया को पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, आप सीधा सीधा पब्लिश करा देते हैं, और पब्लिश कराने के बाद आप उसे पेटेंट फाइल करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं है ना, तब वो पेटेंट के मतलब नहीं है ना। तो इसके लिए आपको पहले अपने आइडिया को पेटेंट के लिए फाइल करना है, फिर पब्लिश करने की बात करनी है। तो वाइपो, ये आपने सुना होगा जरूर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1967 में स्टैब्लिश किया गया इसको। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और इसका कार्य क्या है? आईपी को प्रोटेक्ट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इंडिया में अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो अगर हम कंपेयर करते हैं जो विकसित देश हैं, यूएसए, यूके और तमाम ऐसे कंट्रीज जहां पर काफ़ी ज़्यादा आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में लोग ज़्यादा जागरूक हैं, पेटेंट की अगर आप बात करें तो कहीं आगे हैं वो देश। लेकिन इंडिया में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है, और इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेव करने के लिए स्टैचुरी एज वेल एज जुडिशियल फ्रेमवर्क वेल इस्टेब्लिश हो चुका है। और इसके अलावा कई सारे अटर्नीज हैं, लॉ फर्म्स हैं इंडिया में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से आपकी प्रोटेक्ट किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो आईपीआर फॉर पब्लिक गुड, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पब्लिक गुड के लिए कैसे है, इसकी अगर आप बात करें तो कंट्रीब्यूशन है इसका बहुत शानदार, एनरिचमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड यूजफुल गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। रोज नए नए अपग्रेडेशन, अगर आप देखें तो रोज नए नए मॉडल्स आते हैं किसी भी कंपनी, मोबाइल फोन की अगर आप बात करें उस इंडस्ट्री में, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इन्वेंशंस, इनोवेशन, अगर आप कोई एक मोबाइल देखते हैं तो हो सकता है उसमें से आपको एक कई बड़ी कंपनी का मोबाइल, जो पूरी दुनिया में नाम जिसका चलता है, अगर उसकी अगर आप बात करते हैं तो लगभग उस मोबाइल के अंदर 200 पेटेंट होंगे उसके पार्ट्स में, जो एक मोबाइल को तैयार होने में। तो आईपीआर के पब्लिक गुड की अगर आप बात करें, एक तो इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है, बूस्टिंग करता है इनोवेशन की, क्योंकि जब आपका आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आप ही का राइट होगा उसके ऊपर, तो आपको उससे जो मनी फैच होगी तो आपको उसको बहुत फायदा देगी ना। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेटेंट की। तो इसकी जो विधाएं हैं उसमें सबसे पहले आईपीआर में आता है पेटेंट। तो इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड पेटेंट्स एक्ट 1970, अमेंडेड बाय पेटेंट एक्ट 2005। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पूरे के पूरी कंट्री में ये लागू होता है पेटेंट एक्ट। और कैसे ये फोर्स में आएगा? जिस डेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये पब्लिश किया जाएगा बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो आप देखते हैं इस तरह से हो जाता है पेटेंटेड। तो पेटेंट होता क्या है बेसिकली, डेफिनेशन क्या है पेटेंट की? पेटेंट है कोई भी इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम्स द एक्सक्लूसिव राइट। उसी का अधिकार है, पूरा पूर्ण अधिकार है किसी व्यक्ति का जो उसको, जिसने उसकी खोज करी है ना, तो दिस इज पेटेंट। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो पेटेंट हो सकती हैं या पेटेंट होने के लिए एलिजिबल हैं? क्या क्राइटेरिया है उसका? कैसे मानेंगे कि ये पेटेंटेबल है इन्वेंशन? एक तो वो न्यू होना चाहिए, नोवेल, ऐसा नहीं कि किसी का कॉपी करा हुआ या उसी में थोड़ा बहुत अमेंड कर दिया आपने, एक नोवेल आइडिया होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वाइट ऑब्वियस हो। इसके अलावा वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसके पेरिफेरी में आना चाहिए पेटेंट की। जैसे अगर आप देखें
इन्वेंशन रिलेट्स टू अ प्रोसेस और प्रोडक्ट और बोथ, इन्वॉल्व्स एन इन्वेंटिव स्टेप, बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या फिर मशीन हो. नॉर्मली जो पेटेंट 20 साल के लिए होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस. तो प्रायोरिटी डेट जिसे कहते हैं फर्स्ट टू फाइल, तो डेट ऑफ पेटेंट होती है डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट. उसी डेट से एक काउंट होता है पेटेंट का टर्म. जैसे आपने देखा कि 20 साल के लिए है पेटेंट, तो उस डेट से काउंट होगा. फीस इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ये आप देख सकते हैं, इसमें हो सकता है इसमें कुछ चेंज भी हो गया हो. इज ए पेटेंट ग्रांटेड इन वन कंट्री एनफोर्सिएबल इन अदर कंट्रीज. जैसे अगर कोई भारत में कोई पेटेंट है तो क्या वो अमेरिका में भी लागू होगा? देयर इज नथिंग लाइक दैट. नो, देयर इज नथिंग लाइक ए ग्लोबल पेटेंट और वर्ल्ड पेटेंट, ऐसा कोई शब्द नहीं है. पेटेंट राइट्स क्या होते हैं? नॉर्मली टेरिटोरियल, जहां पर उसका टेरिटरी है. मतलब जैसे जहां पर इंडिया की बात हो रही है तो होल इंडिया में कवर हो रहा है, लेकिन वो दूसरी कंट्री के लिए लायबल नहीं होगा. इसीलिए आप देखते हैं कई बार कोई दूसरा कंट्री में उसी चीज को पेटेंट के लिए फाइल कर देता है जो आपका यहाँ पर ऑलरेडी आपने पेटेंट करा रखा हो. ग्रांटिंग अ पेटेंट इन वन कंट्री ऑफ यूनियन डज नॉट फोर्स अदर कंट्रीज टू ग्रांट द पेटेंट फॉर द सेम इन्वेंशन. और ऐसा भी नहीं है कि किसी कंट्री में अगर रिफ्यूजल हो गया आपके पेटेंट को, आप दूसरी कंट्री में उसको नहीं अप्लाई कर सकते. हो सकता है आपको इस कंट्री में ना मिले, दूसरी कंट्री में आपको पेटेंट ग्रांट हो जाए. इंडिया में अगर आप बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है डाटा, हालांकि उसमें भी कुछ चेंज हो सकता हो गया हो. द लिस्ट ऑफ टॉप 10 पेटेंट होल्डर इन इंडिया कंप्राइज ओनली फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज. लगभग 184 पेटेंट्स आर हेल्ड बाई CSIR. ये डाटा भी अपडेटेड हो सकता है, इसमें कुछ एड ऑन हो गई होंगी चीजें. उसके बाद रेनबेक्सी कंपनी है जिनके द्वारा बहुत सारे पेटेंट किए गए, जैसा कि मेरे द्वारा मतलब जो स्टडी जितना देखा गया है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. वाइल द टॉप 10 पेटेंट होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर IT कंपनीज, ये यंगेस्ट पेटेंट होल्डर है. इसके बारे में अगर आप देखेंगे गूगल करके तो आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी. ये तो अभी खैर उम्र इसकी काफी हो गई होगी बच्चे की, कई 5-6 साल पहले से मैंने इसको फाइंड आउट किया था. तो जयपुर का है ये बच्चा. ही ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग. ये व्हील चेयर पे बैठा है बच्चा, व्हील चेयर बाउंड, 9 ईयर्स ओल्ड. अभी तो ये 15-16 साल का बच्चा होगा. व्हील चेयर ओल्ड, व्हील चेयर बाउंड 9 ईयर्स ओल्ड बॉय, ही हैज इन्वेंटेड ए गेम ऑफ 6-प्लेयर सर्कुलर चेस. द बॉय हरदेश्वर सिंह भाटी, और इसके नाम से डिजाइन, ये जो इसने डिजाइन किया ये पेटेंट ग्रांट हुआ है इस बच्चे को. ये यंगेस्ट पेटेंट होल्डर ऑन व्हील चेयर. इसमें भी आप अगर करेंगे तो हो सकता है आपके पास और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए. हमारा मकसद ये है कि एक तो आपको ये जानकारी देना कि IPR होता क्या है, क्या क्या है ऐसी चीजें जिससे आपको थॉट प्रोवोकिंग हो और आउट ऑफ बॉक्स जाके आप कोशिश करें, एक इंस्पायर हो और देखें कि क्या किया जा सकता है इसमें. जैसे अगर आप बात करें, वी आर प्राउड टू बी दैट अवर गुरतेज सिंह संधू, ही इज एन इंडियन इन्वेंटर इन द फील्ड्स ऑफ थिन फिल्म प्रोसेसेस एंड सेमीकंडक्टर. गुरतेज संधू गॉट द 5th प्लेस इन द वर्ल्ड विद मोर देन 1200 पेटेंट्स इन हिज नेम. He developed method of coating microchips with titanium without exposing the metal to oxygen, which would ruin the chips. बहुत सारे, मतलब एक अकेला बंदा जो 1200 पेटेंट हो सकते हैं. अभी इनके नाम और भी दो जुड़ गए हों कई पेटेंट्स. जैसे सुशांत पटनायक, he is innovator unbelievable. His first invention was सुशांत breathing sensor apparatus for the disabled, फॉर विच ही गॉट न्यूमेरस अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस. आप देख सकते हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित होते हुए, दो राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित होते हुए देखेंगे. सांसों से चलेगा मोबाइल, ये भी खोज की गई है इनके द्वारा. इनको आप सर्फ करके देखें. इन्वेंशंस इनोवेशन 2009 विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, 2010 विद श्रीमती प्रतिभा पाटिल महामहिम, 2013
श्री प्रणब मुखर्जी महामहिम। तो आप देख सकते हैं कितने सारे इनोवेशंस यंगस्टर्स द्वारा किए गए हैं, तो ये थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है आपके लिए भी, और आप जरूर इसमें जब देखेंगे तो कुछ करना चाहेंगे, और कई सारे आइडियाज आपके मन में आपके आसपास आपके आते हैं, उसको हाउ टू मटेरियलाइज इन द फॉर्म ऑफ ऐसा इन्वेंशन जो समाज के लिए कुछ लाभदायक हो। ऐसे कई सारे बच्चे, इसी के बारे में मैंने आपसे जब शुरुआत करी इस टॉपिक की, तो मैंने कहा हम बात करेंगे NIF की नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में, आपको जानकारी देंगे। तो इसे आप जब जानेंगे तो देखेंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे, 10 साल से लेके 16-17 साल के बच्चे, जिन्होंने देश में हर साल इन्वेंशन करते हैं, और हजारों में एप्लीकेशंस आते हैं इसके लिए, और उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को रिकॉग्निशन मिलता है महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, इनको सम्मानित किया जाता है इन्वेंशन इनोवेशन टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे रक्षा बैंड है, सुशांत ब्रीदिंग सेंसर, ऐसे करके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऐसे बहुत सारे इनोवेशन किए गए हैं यंगस्टर्स के द्वारा। जैसे इनोवेशन अवार्ड्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आयुष्मान नायक 2007 में इनको इग्नाइट अवार्ड मिला है, वॉशिंग मशीन विच यूजेज रिसाइकल्ड सोप वाटर। ऐसे ही है फूड ऑपरेटेड टी मेकिंग टेबल फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। फिर है डिटेक्शन सिस्टम इन व्हीकल्स फॉर स्पीड ब्रेकर्स मच इन एडवांस। तो ये सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने, जिनको इनोवेशन अवार्ड। तो अब आपके पास कम से कम इतना जानने के लिए हो गया कि आप कोई इनोवेशन अवार्ड भी कोई चीज है, NIF कोई टर्म है। जब आप इनको सर्फ करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। तो व्हाट डज अ पेटेंट लुक लाइक? अगर आपको पेटेंट कोई होता है आपका, तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट ऑफ पेटेंट ग्रांट होता है। और पेटेंट इश्यूज की अगर आप बात करें, ये देखें कैसे चुरा के भाग रहा है, दिस इज अवर कॉपीराइट। जैसे बासमती राइस पेटेंट बैटल काफी फेमस रहा है ये, इसमें बासमती केस स्टडी की अगर आप बात करें, इन लेट 97 एन अमेरिकन कंपनी was granted a patent by the US patent office to call the aromatic rice grown outside India basmati. तो ये भी काफी चर्चा में रहा। तो Rice Tech Inc. had been trying to enter the international basmati market with brands like Kasmati and Texmati, described as basmati type rice with minimal success. तो India and Pakistan will not only lose out the over 45,000 tons US import market, which forms 10% of the total basmati export. इसके अलावा एक चर्चा में जो रहा है, turmeric patent dispute, biopiracy भी आपके पास शब्द है syllabus में, जब आप देखेंगे biopiracy, तो उसमें turmeric is a tropical herb grown in East India, ये आप जानते ही हैं। Turmeric powder has a distinct deep yellow color and bitter taste. It is used as a dye, cooking ingredient, litmus in a chemical test and for medicinal purposes. तो ये जो patent issue हुआ, इसमें भारत का बहुत important role रहा। तो US patent number ये जो दे रखा है, on turmeric was awarded to University of Mississippi Medical Center in 95. किस बात के लिए? Use of turmeric in wound healing. जबकि हमारे अगर वेदों में देखो, तमाम शास्त्रों में देखो, तो इसको तो हजारों साल से घाव भरने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो उन्होंने ये दिखाया कि ये उनका पेटेंट है। तो इसके लिए आपने अगर नाम सुना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR डॉक्टर आर ए मशेलकर साहब, इंडियन साइंटिस्ट हु हैज डन मच टू अवेकन इंडिया टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशू। बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन्होंने। तो इसको CSIR ने आर्ग्यू किया कि टर्मरिक हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर हीलिंग वुंड्स एंड रैशेस, एंड दस इट्स मेडिसिनल यूज वाज नॉट ए नॉवल इन्वेंशन। क्योंकि अभी आपसे शुरू में जिक्र आया था, अगर पेटेंट है तो वो नॉवल इन्वेंशन होना चाहिए, तो ये तो नॉवल इन्वेंशन नहीं था। तो देयर क्लेम वाज सपोर्टेड बाई द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इंक्लूडिंग एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट एंड पेपर पब्लिश इन 1953 इन जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो फाइनली हमारे फेवर में आया वो। ऐसे ही एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है अगर आप बात करें पेटेंट इश्यू की,
एप्पल वर्सेस सैमसंग, इसमें आप देख सकते हैं। तो केस ओवरव्यू अगर आप देखें तो एप्पल कंपनी ने सैमसंग को स्यू किया कि उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी किया है। और उसमें क्या था एक्चुअली, जो गैलेक्सी एस आप जानते होंगे, गैलेक्सी एस सेकेंड, नेक्सस एस, तो ये क्लेम का जो नंबर था 19/381, तो इसमें था कि सैमसंग वॉज ऑर्डर्ड टू पे अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन टू एप्पल फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। तो जैसे आप देखें कि आईफोन, आईपैड, इसका जो अपीयरेंस है उसको कॉपी किया था इसने। इससे पहले ये थे, ये देखें आप कैसे क्रश कर रहे हैं इसको, एप्पल क्रशेस सैमसंग विद $1 बिलियन विक्ट्री इन कोर्ट, अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक अदर स्मार्टफोन मॉडल्स। ये आप देख सकते हैं। तो ये था, एप्पल लॉयर सबमिटेड दिस पिक्चर एट द कोर्ट, सैमसंग स्मार्टफोन्स बिफोर आईफोन ऐसे थे, और अनाउंस्ड जनवरी 2000 में एप्पल का आईफोन ऐसा था, सैमसंग स्मार्टफोन्स अपर आफ्टर आईफोन। तो इसी बात को लेके इनका डिस्प्यूट हुआ। तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग दिस वॉज द केस वन बाई दिस कंपनी, पेटेंट बैटल बिटवीन एप्पल एंड सैमसंग, यू कॉपीड मी, ओह कम ऑन, यू डोंट हैव ए मोनोपोली फॉर रेक्टेंगुलर शेप विद राउंड कॉर्नर्स। देन एक टर्म आता है कॉपीराइट। तो जैसे आपने पेटेंट पढ़ा तो कौन कौन सी चीजें हैं जो पेटेंट के दायरे में आती हैं, फिर आता है कॉपीराइट। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 गवर्न्स द सिस्टम ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया, और ये काफी अमेंडेड हुआ है, और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मीनिंग इट इज अ राइट विच ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। द टर्म ओरिजिनल इन द कॉपीराइट लॉ मीन्स दैट द वर्क ओरिजिनेटेड विद द ऑथर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर नॉवेल्टी और यूनिकनेस एज देयर इज इन पेटेंट लॉ। कॉपीराइट लॉ में क्या देखते हैं आप, प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, नोट द आइडिया इटसेल्फ। जैसे क्या क्या कवर किया जाता है इसमें अगर आप देखें तो कॉपीराइट में लिटरेरी वर्क, फिल्म्स, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, साउंड रिकॉर्डिंग। तो जो कवर नहीं होते इसमें कॉपीराइट में, आइडियाज, फैक्ट्स, रेसिपीज, वर्क्स लैकिंग ओरिजिनैलिटी, नेम, टाइटल, शॉर्ट फ्रेजेस। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप कॉपीराइट आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट फी, और ये सारी प्रोसीजर है इसका। ड्यूरेशन जो होता है कॉपीराइट का, जो भी उसका ऑथर है, जैसे कोई बुक लिखी है किसी ने, तो उसका लाइफ टाइम प्लस 50 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर इन विच द ऑथर डाइज। 50 ईयर्स फॉर फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, 25 ईयर्स फॉर टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ अ पब्लिश्ड एडिशन। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑलवेज एक्सपायर्स ऑन December 31st ऑफ द लास्ट कैलेंडर ईयर ऑफ प्रोटेक्शन। व्हाट इज फेयर यूज, नॉर्मली जैसे आप कहते हैं ना कॉपीराइट, आप देखते हैं पायरेसी, जैसे जैसे आपने अभी देखा था बायो पायरेसी, ऐसे ही पायरेसी कोई भी मूवी रिलीज हुई उसको पता चला अगले दिन वो सिनेमा हॉल के बाद मोबाइल में दिखाई दे रही है। पहले वो वीडियो कैसेट्स के फॉर्म में दिखाई देते थे, किसी ने कैमरा से बना लिया मूवी, कॉपीराइट मतलब वो उसको बायो पायरेसी, या पायरेसी सॉरी पायरेसी बोलते हैं। जैसे उसे आप फेयर यूज कह देते हैं, कई बार गिव्स परमिशन टू यूज कॉपीराइटेड मटेरियल इफ सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा कॉपी कर दें, कुछ पोर्शन विद ड्यू परमिशन विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट आप ले सकते हैं, उसके अलग अलग नियम हैं। तो इसके अलावा प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रमोट्स पब्लिक बेनिफिट्स लाइक एजुकेशन, बिवेयर द फेयर यूज एक्सक्यूज, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही मान के चलें कि अरे इसमें मैंने मुझे पता नहीं था ना, नेवर अज्यूम दैट यूर यूज फॉल्स अंडर द फेयर यूज एक्सेप्शंस, सेविंग मनी इज नॉट ए सफिशियंट एक्सक्यूज, लेजीनेस कैन बी अ ट्रैप। हाउ मच कैन आई यूज, जैसे फोटोज और इमेजेस हैं अप टू 5 वर्क्स फ्रॉम 1 ऑथर,
अप टू 10% और 15 वर्क्स विच एवर इज लेस फ्रॉम अ कलेक्शन, और डेटाबेस इंफॉर्मेशन की बात करें अप टू 10% और 2500 फील्ड्स और सेल एंट्रीज विच एवर इज लेस, दीज आर द क्राइटेरिया। देन एक नया टर्म है आपके लिए ट्रेडमार्क, जैसे आप देखते हैं ना कोई भी है, मैकडोनल्ड है, गूगल है, या कोई भी उसका ट्रेडमार्क है हर एक का अपना, तो इट इज कवर्ड अंडर द एक्ट कॉल्ड ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, और ये सितंबर 2003 में इफेक्ट में आया, और इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ट्रेडमार्क्स क्या है? सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन और अदर डिवाइस दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस और अ प्रोडक्ट इन कॉमर्स। जैसे डिफरेंट सिंबल्स आपने देखा होगा, TM लिखा रहता है कहीं भी प्रोडक्ट के ऊपर, SM है, R, अगर वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है तो आप उसको, ऐसा नहीं कि कोई भी कॉपी कर लें, कई बार दिखाई देता है मार्केट में लेकिन कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, जैसे गोडरेज कहीं दिखाई देगा और बाद में जाकर देख रहे हैं तो आप गोडरेज लिखा हुआ है, या और सारी तमाम कंपनियों के लोगो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो उसमें जरूर चेंज होगा, एज सच कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको, नहीं तो पनिशेबल ऑफेंस है वो। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। ड्यूरेशन एंड फी ऑफ ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 years एंड सच एंड सच। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रेडमार्क, इट ट्रेडमार्क इज अ साइन यूज्ड ऑन और इन कनेक्शन विद द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जैसे आप देखें ये करेक्ट यूज और इनकरेक्ट यूज, ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली फॉन्ट साइज, प्रोपोर्शन एंड प्लेसमेंट ट्रेडमार्क्स। जैसे किसी ये बॉटल में देखें आप, नेम, लोगो टाइप, सिंबल, स्लोगन, शेप, कलर, ये सारे कम्स अंडर द ट्रेडमार्क। देन काफी इंपॉर्टेंट ये आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जब ये GI टैग लग जाता है किसी भी प्रोडक्ट को तो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज गुड्स एज एग्रीकल्चर गुड्स, नेचुरल गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और अ रीजन और लोकेलिटी वेयर ए गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ सच गुड्स इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे मेड इन चाइना लिखा है, इंडिकेशन रेफरिंग टू अ कंट्री और टू अ प्लेस सिचुएटेड देयर इन रेफर्स टू द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे फीचर्स क्या क्या होते हैं GI के, कलेक्टिव कम्युनिटी राइट्स प्रोटेक्ट्स ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स किसी पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अगर आप अभी आगे देखेंगे स्लाइड में, जैसे कोल्हापुरी चप्पल है या कोई पर्टिकुलर ब्रांड है कहीं का, उत्तराखंड की भी बात करेंगे हम अभी इसमें, तो फीचर्स ऑफ GI में एक्सक्लूसिवली नो इंडिविजुअल राइट्स, नो राइट टू असाइन, नॉलेज अंडरलाइंग GI रिमेन्स इन द पब्लिक डोमेन। तो नेचुरली जब आपको कोई पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को GI मिल जाता है तो उसकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी हो जाती है और इट फंक्शंस लाइक ए ट्रेडमार्क। जैसे GI की बात करें इंडिया में, इंडिया एज ए मेंबर ऑफ WTO एनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 99 हैज कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003। द GI एक्ट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जैसे इसके एग्जाम्पल देखे, बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल है GI के, जैसे आप बात करें बासमती राइस की, मैसूर सिल्क की, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर सैंडल सोप, मैसूर जैस्मिन, इनको ऑलरेडी GI टैग मिला है तो ये मार्केट वैल्यू इसकी एकदम से उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे दार्जिलिंग टी है, धारवाड़ का पेड़ा है, अल्फंजो मैंगो है, तिरुपति का लड्डू है, कोल्हापुरी चप्पल, नाजा गुड़ बनाना, ये सब क्या है, दीज आर ऑलरेडी
उनको जीआई मिल चुका है, जीआई टैग लग गया है। वर्ल्ड की अगर आप बात करें, जैसे स्विस वॉचेस, कैनेडियन विस्की, फ्लोरिडा ऑरेंजेस, शैंपेन, टेक्युला एटसेट्रा, उत्तराखंड की अगर आप बात करें अल्मोड़ा में बाल मिठाई, तो दिस इज ए ब्राउन चॉकलेट फज मेड विद रोस्टेड खोया कोटेड विद वाइट शुगर बॉल्स एंड इज पॉपुलर स्वीट, खाया होगा आप लोगों ने, फ्रॉम द हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्पेशली रीजन्स फ्रॉम अल्मोड़ा। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन जीआई टैग। तो ट्रेडिशनल पैकेजिंग आप देख सकते हैं इसकी, क्यों वैल्यूएबल होती है जीआई, क्योंकि ये मार्केटिंग टूल है, इसका रेपुटेशन फॉर क्वालिटी एसोसिएटेड विद प्लेस नेम यूज्ड ऑन लेबल्स एडवर्टाइजिंग, जीआई आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स आर बिलीव टू कमांड हायर प्राइसेस, क्योंकि जब उसे गवर्नमेंट जीआई टैग देती है तो इतना आसान प्रोसीजर नहीं है, काफी उसे टफ उससे गुजरना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जो भी उसमें जुड़े हैं तो सभी को उसका फायदा होता है। दिस इज स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हु कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए जीआई, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द लॉ कैन अप्लाई। तो जो एप्लीकेंट है वो कौन होना चाहिए, जो उसके प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू द रजिस्ट्रार ऑफ जीआई अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड फी। तो जहां मैं पोस्टेड था पहले उत्तरकाशी में, वहां पर भी हम लोग जुड़े थे इसके सेंसिटाइजेशन के लिए, तो उसमें वहां की कम्युनिटी को हमारे साथी हैं, उन्होंने आगे बढ़ाने में काफी मदद करी जीआई से। ये देखिए आप, रेमेडीज फॉर ए पेटेंट इंफ्रिंजमेंट, कॉपीराइट क्लेम्स ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग आर्टिस्टिक वर्क्स, ये कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कॉपीराइट से रिलेटेड हैं। जैसे ये कहते हैं कि इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट, कोई कहे कि मुझे पता नहीं था ना, जैसे ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। Occurs when infringer was unaware that things were protected. No excuse if work properly displays. कोई work अगर लिखा है उसके ऊपर patent लिखा है, trademark symbol R, TM, SM अगर दिख रहा है तो copyright notice यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि I didn't know this thing ना, this is not the excuse. तो conclusion क्या है, create yourself rather than using others' creations. Do not use competitor's mark in such a way that it harms competitor in unfair way. No comparisons that are likely to cause confusions. So technological advancement made the job of the creator easy. It also made the job of the copier easy. अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि ये भी आपको काफी कुछ इनसाइट देगा इस बात को सोचने के लिए कि आपके पास जो ब्रेन कैसे इस्तेमाल करें, कैसे आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें जिसको आप समाज के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं आप अपने आइडियाज से। तो ये उसी के तहत 2000 में बनाया गया था फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन IIM अहमदाबाद में। तो इसका जो विजन है, to make India innovative and adding value to India's outstanding traditional knowledge base. Iska jo mission, to help India become inventive and creative and to become a global leader in sustainable technology without social and economic handicaps affecting the evolution and diffusion of green grassroots innovators. इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में नहीं कर रहे हैं वो रिसर्च, ऐसे कई इनोवेटर हैं जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, पैडमैन मूवीज आपने देखी होगी, थ्री इडियट्स देखी होगी, तो उसमें जो इनोवेशंस आपको दिखाए गए थे वो ज्यादातर ऐसे इनोवेशंस हैं जो ऐसे लोगों ने ईजाद किए हैं जिनका कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है उनके पास। और दिस इज व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज विच यू गेट फ्रॉम दिस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इन कमिंग स्लाइड्स। इन
ये देखें आप, NIF अवार्डीज जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जिन जिन बच्चों को अवार्ड दिए गए हैं, क्लास 8th की बच्ची का मैं दिखाना चाहूंगा आपको, विनिशा उमा शंकर। तो विनिशा हैज डिजाइंड अ मोबाइल आयरनिंग कार्ट, ये देख रहे हैं आप, विच यूजेस सोलर पैनल्स टू पावर अ स्टीम आयरन बॉक्स। दिस कैन बी पावर्ड बाई प्री चार्ज्ड बैटरीज, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पावर जनरेटर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सोलर आयरनिंग कार्ट इज दैट इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ कोल फॉर आयरनिंग। द वेंडर्स कैन मूव अराउंड एंड ऑफर सर्विसेज एट डोर स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग देयर डेली अर्निंग्स। फॉर अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम द आयरनिंग कार्ट कैन बी फिटेड विद अ कॉइन ऑपरेटेड GSM, PCO, USB चार्जिंग पॉइंट्स एंड मोबाइल चार्जिंग। सोलर आयरनिंग कार्ट, दिस वॉज डेवलप्ड बाई क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एंड शी वॉज NIF अवार्डी। विजुअली चैलेंज्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स, दिस वॉज ऑल्सो इनोवेटेड बाई दिस क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ वैभव परिदा। स्लीप वॉकिंग डिटेक्टर एंड प्रिवेंटर, क्लास 11th स्टूडेंट शिवम हैज डिजाइंड ए वेरेबल डिवाइस दैट कैन हेल्प पीपल विद स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम। दिस इज नेशनल अवार्डी ट्रैक्टर ऑपरेटेड पैडी ट्रांसप्लांटर। वॉशिंग मशीन विच यूजेज रिसाइकल्ड सोप वाटर, क्लास 3 स्टूडेंट। स्टेट अवार्ड टिलेज इक्विपमेंट विद मैकेनिकल सेंसर, जिससे कि जो वीड है उसी को वो काट सके और जो हमारे जो एक्चुअल फसल है उस पर नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए टिलेज इक्विपमेंट विद मैकेनिकल सेंसर वॉज डेवलप्ड बाई दिस फेलो घनश्याम जाधव फ्रॉम महाराष्ट्र। गाइडिंग सिस्टम फॉर अल्जाइमर पेशेंट्स इफ दे गेट लॉस्ट, डेवलप्ड बाई क्लास 7th स्टूडेंट ऑफ रेशमा। ये आपने देखा होगा मूवी पैडमैन, उसमें आपने देखा था इनोवेटर अवार्ड। इसके अलावा पैडल ऑपरेटेड वॉशिंग मशीन, एनर्जी जनरेटिंग स्पिनिंग व्हील, दीज ऑल वेरी इनोवेटिव थिंग्स डन बाई। इसके अलावा एक है टाइफेक, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको बच्चों कि ये चीज़ें जब आप सर्व करेंगे तो कई बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, बुक्स में भी आपके कई बार सिलेबस में मेंशन नहीं होती, तो जब आप देखेंगे तो आपको एक कुछ नया करने का, कुछ नए एवेन्यूज दिखाई देंगे। तो जस्ट एक बेसिक आइडिया, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्टेड हैं, तो उनके बेसिस पे मैं जस्ट ये इंसाइट करना चाह रहा हूँ कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए IPR के बारे में भी, उससे रिलेटेड क्या क्या विधाएं हो सकती हैं, कौन सी एजेंसीज हैं जो आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे सकती हैं, आपको अवेन्यूज दिखा सकती हैं। तो टाइफेक की अगर आप बात करें, ये भी भारत सरकार के अंडर में ऑटोनोमस बॉडी है अंदर DST। तो दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। इट इज अ थिंक टैंक विद इन द गवर्नमेंट सेटअप दैट लुक्स अप टू टेक्नोलॉजीज ऑन द होराइजन, असेस द टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्ट्रीज एंड सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन सेलेक्ट एरियाज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जैसे आप देखें, ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार 2050 अपॉन टाइफेक्ट फॉर इट्स स्कीम किरण IPR। तो ये आप इसमें सर्व करके देख सकते हैं, दैट इज एम्पावरिंग वीमेन इन R&D थ्रू ट्रेनिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दिस वॉज रिसेंट वीडियो ऑन आत्मनिर्भर भारत, सूचना प्रौद्योगिकी ने पूर्वानुमान और आकलन परिषद ने तैयार की रिपोर्ट। PM ब्रांड इंडिया को गुणवत्ता विश्वसनीयता के स्तंभ पर और मजबूत बनाना है, ही इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाइफेक्ट। तो ये जस्ट आपको इसलिए दिखाने के लिए है कि आप जाने क्या क्या अवेन्यूज हैं, जब आप IPR की बात करते हैं उससे जुड़ी क्या चीजें हैं जो आपको और बेहतर जानकारियां अवेयरनेस के बारे में जागरूक करती हैं। NRDC ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो IPRs पे काम करते हैं, IPR से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं यहाँ से। दैट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1953। दिस इज ऑल्सो एन एंटरप्राइज ऑफ DSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सिंस 1953, लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इनका विजन, इनका मिशन, ये सब आपको देखिए, आप रेंज ऑफ एक्टिविटीज क्या है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स क्या क्या हैं जहां पर ये काम करते हैं, मेजर टेक्नोलॉजी लाइसेंस्ड, इसके बारे में अगर देखें, देयर सक्सेस स्टोरी, इन्फेंट फूड, 20 HP ट्रैक्टर, इनडेलिबल इंक, जब आप देखते हैं फॉर इलेक्शन पर्पस, स्पिरुलिना एल्गी, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आएगा। इसके बारे में डिटेल आप सर्व करें, जाने तो मेजर टेक्नोलॉजी लाइसेंस्ड अंडर दिस NRDC, बिल्डिंग टेक स्टार्टअप्स, एम्पावरिंग इंडिया, NRDC इज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे आज 20 तारीख हो रही है और 26 अप्रैल को ये आने वाला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे, बड़ा ही रेलेवेंट है आज हमारा इस बारे में बात करना, क्योंकि इसे पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, IPR डे 26 अप्रैल को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द ऑयल ऑफ 21st century, लुक एट द रिचेस्ट मैन 100 years ago, दे ऑल मेड देयर मनी एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस और मूविंग देम अराउंड, ऑल टूडेज रिचेस्ट मैन हैव मेड देयर मनी आउट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्क गेटी। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉक, थैंक यू।